नमस्कार, केपी एक्सप्रेस कर्नाटक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए राज्य के समाचारों की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। कर्नाटक अधिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला स्थापित करने के उपाय कर रहा है, कहा सीएम बुम्मई ने। गृह मंत्री का वीडियो साबित करता है कि भाजपा शासन के दौरान पशु चोरी बढ़ी, यूटी खादर का बयान। रे ने महिला पात्र गैर रूढ़िवादी बताया। विधान परिषद चुनाव के बाद यक्षगान अकादमी में अध्यक्ष नियुक्त करेंगे। कोविड-19 पैरामेडिकल कॉलेज को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। पूर्व विधायक रीमा जालू के रमा भट्ट का निधन हुआ। ओमिक्रॉन संदिग्ध रोगियों को मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी दिलचस्प परिणाम देती है। ओमिक्रॉन मरीज की 5 साल की बेटी डिस्चार्ज के लिए फिट, टेस्ट नेगेटिव, बड़ी बेटी पॉजिटिव है। धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध से उत्पीड़ित वर्ग प्रभावित, लेखक अरविंद मालागट्टी। मेकेदातु पदयात्रा, प्रतिभागियों को मिलेगा प्रमाण पत्र। टमाटर की कीमत 100 रुपए प्रति किलो छू गई है राज्य में। ओमिक्रॉन का डर, मैसूर जिले में टीकाकरण अभियान तेज किया गया। कोटा के विधान परिषद चुनाव में जीत का भरोसा है। पुलिस विभाग के खिलाफ पूर्व मंत्री वीर रामनाथ राय की आलोचना से पता चलता है कि राज्य में प्रशासनिक तंत्र विफल हो गया है। बादामी में सिद्धू को अपनी पार्टी के नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। सिद्धरामैया ने चिमनकट्टी को धोखा दिया, ईश्वरप्पा ने बताया। भाजपा में शामिल नहीं होने पर तिहाड़ जेल भेजा गया, डीके शिवकुमार ने कहा। डीकेबीओ चरणबद्ध तरीके से सभी बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकट जारी करने वाली मशीन शुरू करेगा। प्रति परिवार एक विधायक, संविधान में संशोधन होने दे, कहा एचडी कुमार स्वामी ने। कर्नाटक सरकार ने रामकुंज में गौशाला स्थापित करने के लिए 36 लाख रुपए जारी किए। केपी एक्सप्रेस कर्नाटक में अब तक इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज़ ताज़ा खबरों के लिए। धन्यवाद।